दोस्तों 21 से 26 दिसंबर के बीच में एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है इनोवा कैपटैप, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 570 करोड़ रुपीज रेज करने जा रही है। तो इस वीडियो में हम इनोवा कैपटैप के आईपीओ से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे, जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको जानना जरूरी है। हम जानेंगे इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, इसके कंपटीशन के बारे में जानेंगे और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और क्या ये आज़ाद इंजीनियरिंग के आईपीओ से बेटर है, क्योंकि इसी समय 20 से 22 दिसंबर के बीच में आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ भी ओपन है। बाय द वे, आज़ाद इंजीनियरिंग के आईपीओ का फुल रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत जबरदस्त कंपनी है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 80% से ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। सो 21 से 26 दिसंबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 दिसंबर है और लिस्टिंग डेट 29 दिसंबर हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 426 टू 448 रुपीज पर शेयर का। 33 शेयर्स का एक लॉट है। इसका इशू साइज है 570 करोड़ का, जिसमें से 320 करोड़ फ्रेश इशू है और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,784 रुपीस और 13 लॉट्स की प्राइस होगी 1,92,192 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई को मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब चलिए इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो इनोवा कैपटैप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देती है। दूसरा, ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए जेनेरिक दवाई बनाती है। और तीसरा, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए जेनेरिक दवाई बनाती है। ये टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ड्राई सिरप्स, ड्राई पाउडर इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट एंड लिक्विड मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है और करीब 600 टाइप्स के जेनेरिक मेडिसिन को ये मैन्युफैक्चर करती है और हरियाणा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। चलिए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो एसेट्स में हमें यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2021 से लेकर 2022 के बीच में कंपनी ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, क्योंकि ये पेंडेमिक के आसपास का पीरियड था, लेकिन उसके बाद मॉडरेट ग्रोथ है। टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ ओवरऑल अच्छी है। कंपनी पर बोरिंग्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट कैप 2,563 करोड़ का है। पी 31.64 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.58 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.61 है। दोनों ही नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी 1 से कम है 0.85। अर्निंग पर शेयर 14.16 रुपीज़ है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.58% है। तो इनके जो की रेशियोज हैं वो बहुत अच्छे हैं। इनके कंपटीशन में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और जो एवरेज सेक्टर पी है उसके आसपास ही इनका पी है, विच इज़ गुड। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो इस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम 210 रुपीस के आसपास है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है 658 रुपीस, जो अलॉटमेंट मिलने पर 46.88% का गेन है। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मेरे सजेस्टेड ब्रोकर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं? तो दोस्तों, इस आईपीओ में मैं जरूर अप्लाई करने वाला हूं और इसके रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। पहला, कंपनी ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन बनाती है, जिसकी आगे चलकर डिमांड और बढ़ सकती है। दूसरा, कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छी है। कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे हैं। तीसरा, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट में इसका काफी ब्रॉड क्लाइंट बेस है। चौथा, अगर लिस्टिंग इनके लिहाज से देखें तो ग्रे मार्केट में भी काफी अच्छी डिमांड है। और पांचवा, कंपनी के आगे चलकर एक्सपेंशन के बड़े प्लान्स हैं, जिससे इनकी कैपेबिलिटीज और इंक्रीज होने वाली है। नेगेटिव मुझे इस आईपीओ में कुछ खास लगा नहीं जिसके बारे में मैं कुछ बोलूं। और लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही हिसाब से ये कंपनी बहुत बढ़िया है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।